अशोक गोडारा कह रहे हैं ऑडी आपने खुद की सेविंग से ली या घर वालों ने हेल्प की? यार सच जितना मेरे को याद आ रहा है तो मैंने शायद एक ट्राइपॉड भी लेने में घर वालों से हेल्प नहीं ली होगी इस काम के लिए, है ना. इनडायरेक्टली ऑब्वियसली पॉकेट मनी मिलती थी, पॉकेट मनी ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता, बट हाँ घर से ठीक है आप पढ़ रहे हो या कुछ है तो ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब माइक से लेके और कुछ भी. और मेरे को याद है मेरी जो फर्स्ट चेयर थी वो वाली अभी भी थी शायद, मैंने वो लखन को दे दी है, वो मेरी सिस्टर ने दिलाई थी उस टाइम पे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी तो वो उन्होंने दिलाई थी मेरे को. बर्थडे में गिफ्ट ऐसे मिलते थे लोग के, मतलब ऐसा कोई अलग से मैंने सपोर्ट लिया नहीं है. और पापा बहुत टाइम पहले की बात है, आई थिंक 2019 के आसपास या 18 की होगी, तो वो मेरे लिए देख रहे थे कार वगैरह कुछ के, मतलब जाना होता है तो कई बार सेफ नहीं होता स्कूटी पे या किस टाइम आना जाना है क्या नहीं क्या, तो वो घर वाली कार थोड़ी बिजी रहती थी तो मैंने उनको उस टाइम मना किया था क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है और घर से मुझे चाहिए नहीं, तो उस केस में मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं लेनी, तो अभी स्कूटी बढ़िया चल रही है मेरे को या फिर मैं घर वाली सीख लूंगी. तो ऐसा तो मतलब घर से तो नहीं हेल्प ली. बाकी बात रही इसकी सेविंग्स की, हाँ मतलब खुद से ही लिया. और मेरा थोड़ा सा कोशिश करती हूँ मैं ये लाइफ में रूल अपनाने की कि EMI वगैरह से बचा जाए, तो जो हो सके तो मतलब इंसान उसी हिसाब से चीज़ें करे. और मतलब और भी अच्छी और ऑप्शंस थे बट मुझे लगा कि इतने पे मज़ा आ रहा है और इससे ऊपर जाने की अभी ज़रूरत नहीं है एटलीस्ट, तो ले ली. मतलब ऐसा होता है कई बार कि आपको आपको पता है कि यार आप 50 रुपए का पेन ले सकते हो बट आप फिर भी 5 रुपए चूज करते हो या 10 रुपए चूज करते हो, तो उस हिसाब से आई बॉट इट, मुझे ठीक लगा. और फिर ये भी लगा कि यार अभी यंग भी हूँ तो हो सकता है थोड़ी एक्साइटमेंट बचे, वैसे ही चीजों को लेकर कोई खास एक्साइटमेंट है नहीं मटेरियलिस्टिक, तो वो बनानी पड़ती है कई बार कि आप ताकि एंजॉय कर पाओ उस चीज को. मैंने 5 साल बाद ली तो और मजा नहीं आएगा, है ना, तो खुद से ही लिए ये कह सकते हो कुल मिला के.